देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज यानी 19 अगस्त को रक्षाबंधन है। आपको बता दें कि राजस्थान सीमा में महिलाएं और लड़कियां फ्री में रोडवेज बस में यात्रा कर सकेंगी। ये सुविधा बीते रविवार रात 12 बजे से सोमवार रात 12 बजे तक रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने आदेश जारी कर दिया है। यूपी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब 19 अगस्त की रात 12 बजे तक प्रवेश लिया जा सकता है। पहले प्रवेश की अंतिम तिथि 16 अगस्त थी। लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वॉचबेल एप्रिन का अनुरक्षण यानी सुरक्षा संबंधी कार्य होगा। इसको देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने आज यानी 19 अगस्त से 18 सितंबर तक ब्लॉक किया है। आपको बता दें कि इस वजह से कई ट्रेनों का संचालन अब ऐशबाग और गोमती नगर स्टेशनों से किया जाएगा, जिसमें छपरा एक्सप्रेस गोमती नगर से चलेगी। रतलाम में सर्व ब्राह्मण समाज सामूहिक श्रावणी उपक्रम का कार्यक्रम आज यानी 19 अगस्त को करेगा। बता दें सागोद रोड स्थित गंगा आश्रम में सुबह 7 बजे से हेमाद्री स्नान, दशविध स्नान, प्रायश्चित, तर्पण, जनेऊ परिवर्तन के बाद हवन के साथ श्रावणी उपक्रम कार्यक्रम होगा। भांडेर में प्राचीन भुजरिया मेला और मटकी फोड़ निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन आज यानी 19 अगस्त को नगर के सागर ताल पर किया जाएगा। बता दें कि पूर्व नप अध्यक्ष ब्रजकिशोर रावत ने बताया कि इस बार ये 23वां आयोजन होगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर ट्रेडिशनल प्रोफेशनल विषयों में पंजीकरण आज तक होगा। आपको बता दें कि यूजी प्रथम वर्ष में ये पंजीकरण रिक्त सीटों पर दूसरी ओपन मेरिट के लिए होंगे। पहले से पंजीकृत लेकिन अप्रवेशित छात्रों को दोबारा पंजीकरण की जरूरत नहीं है। जिपमर ने पुडुचेरी में 209 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानी 19 अगस्त 2024 है। इसमें 169 पद ग्रुप बी और 40 पद ग्रुप सी के। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने नया रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के अनुसार आज यानी 19 अगस्त रक्षाबंधन पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। बता दें कि यहां उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्व में सामान्य अवकाश घोषित किया है। नेरवा क्षेत्र में आज यानी 19 अगस्त को बिजली बंद रहेगी। बता दें कि सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल नेरवा अरविंद धीमान ने बताया कि 22 केवी नियंत्रण केंद्र नेरवा के तहत लाइन के समीप खतरनाक पेड़ों को गिराया जाना प्रस्तावित है। झारखंड की राजधानी रांची से होकर मॉनसून टर्फ गुजर रहा है, इसका असर आज से देखने को मिलेगा। आपको बता दें इसकी वजह से कई जिलों में बारिश तबाही मचा सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। साल 1757 में आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला 1 रुपए का सिक्का ढाला गया। साल 1887 में आज ही के दिन भारत के क्रांतिकारी नेता एस सत्यमूर्ति का जन्म हुआ था। साल 1944 में आज के दिन भारत से जापान की अंतिम सैन्य टुकड़ी को खदेड़ा गया। साल 1949 में आज के दिन भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी बनी। साल 2019 में आज के दिन भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार खय्याम का निधन हुआ। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।